गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 7th. इन प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट. टुडे आई विल टीच यू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर और मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. प्लांट अब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट. रूट के द्वारा ये दोनों अब्जॉर्व करते हैं. द रूट्स हैव रूट हेयर. रूट के पास रूट हेयर होती है. द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर. रूट हेयर जो है अपने सरफेस एरिया को रूट के बढ़ा देती है वाटर और मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, जो उसमें डिसॉल्व होते हैं. रूट हेयर इज़ एन कॉन्टेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स. रूट हेयर कॉन्टेक्ट में आती है जब वाटर के जो कि इसमें प्रेजेंट होता है सॉयल पार्टिकल्स के बीच में. कैन यू गाइज हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. कैसे लीव्स के रूट के अंदर से वाटर लीव्स में जाता है. वॉट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन प्लांट. कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं प्लांट्स में. वेल भूजो इज़ राइट. भूजो सही कहता है. प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल. प्लांट्स में एक पाइप लाइक वेसल्स होती है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट को सॉयल से ट्रांसफर्ड करती है. द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स. वेसल्स एक स्पेशल सेल्स को बनाती है जिसको वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं. टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स. टिश्यू एक ग्रुप का सेल्स होता है दैट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन इज एन ऑर्गेनिज्म. जिसका एक स्पेशल फंक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स में. द वैस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम. वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम एक ऐसा पार्ट होता है जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पूरे प्लांट्स में पहुँचाता है. द जाइलम फॉर्म्स ए कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल that connect root to the leaves through the stem and branches and that transport water to the entire plant. Xylem form करता है एक network, एक ऐसा channel है जो connects होता है root से leaf की तरफ stem branches के through और transport करता है water को पूरे plant की body में. If you know that leaves synthesize food, हम जानते हैं कि leaves क्या करती है, food को बनाती है. The food has to be transported to all parts of the प्लांट. और ये फूड जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है सारी प्लांट की बॉडी में. दिस इज़ डन बाय द वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम. ये किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा. दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट. प्लांट्स में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो सारी चीज़ों को सब्सटेंसेस को प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं. एक्टिविटी 11.3 वी वुड रिक्वायर ए ग्लास टम्बलर. एक लेंगे वाटर रेडिंग एंड टेंडर हर्ब एंड ए ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी. प्योर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ टम्बलर. एक ग्लास में हम प्योर वाटर को 1/3 भर लेंगे. एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर. इस वाटर में कुछ ड्रॉप हम रेड इंक डालेंगे. कट द बेस ऑफ द स्टीम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 11.8. और उसकी स्टीम को कट करके उस पानी में रख देंगे. ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, देखते हैं डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड. क्या कोई भी पार्ट प्लांट का हमको रेड दिखाई देता है. इफ़ यस, अगर है तो हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर. तो कलर कैसे इसमें पहुंचा. इफ़ यू कैन कट द स्टीम अक्रॉस द लुक फॉर द रेड कलर इन साइड द स्टीम. हमने उसकी स्टीम को कट कर दिया था जिससे रेड कलर उसकी स्टीम में गया. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टीम. वाटर में जैसे मूव्स, वाटर स्टीम में मूव्स करता है. इन अदर वर्ड स्टीम कंडक्ट. जैसे ही स्टीम वाटर को कंडक्ट करती, जस्ट लाइक द रेड इंग मिनरल डिसॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टीम अलॉन्ग विद वाटर. तो ये रेड कलर जो होता है वो वाटर के थ्रू स्टीम में जाता है. वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स में पहुंचते हैं एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब इनसाइड द स्टीम. और फिर ये प्लांट्स के पूरे उसमें पहुंच जाता है. ट्रांसपायरेशन. इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन. क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि प्लांट बहुत ज़्यादा वाटर को रिलीज करते हैं ट्रांसपायरेशन में. प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल. हम जानते हैं कि प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को सॉयल से. नॉट ऑल द वाटर अब्जॉर्ब इट यूटिलाइज बाय द
प्लांट सारा वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, यूटिलाइज नहीं होता प्लांट के द्वारा. द वाटर एवापोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन. वाटर कुछ वाटर एवापोरेट हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा जो कि लीव्स पर होते हैं. और ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट ए सक्शन पुल विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज. ट्रांसपायरेशन ऑल्सो कूल द प्लांट्स. एवापोरेशन जो वाटर का होता है लीव से, वो जनरेट करता है एक सक्शन पुल को सेम दैट यू प्रोड्यूस वेन यू सक वाटर थ्रू ए स्ट्रॉ. जैसे हम स्ट्रॉ से वाटर को सक करते हैं, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्री, ऐसे ही वाटर से वाटर खींच लेता है टॉल ट्री से. इसलिए ट्रांसपायरेशन ऑल्सो कूल्स द, ट्रांसपायरेशन प्लांट को क्या बनाए रखता है, कूल बनाए रखता है. यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस.